हे दोस्तों, टॉफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है साहिद और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट साउथ इंडियन हिंदी डबल एक्शन थ्रिलर मूवीज के बारे में, जिन्हें 2020 में YouTube पर रिलीज किया गया है। अपन जेल से फरार होकर बाहर बिरयानी खाने को नहीं आया, खाने को नहीं आया है। खेल खत्म करने आया है। यूट्यूब के अलावा भी कई बड़ी एक्शन फिल्मों को टीवी पर भी रिलीज किया गया था जो यूट्यूब पर नहीं है, जैसे कि अरविंदा समय था। ये फिल्म यूट्यूब पर नहीं आई थी, इसलिए हमने सिर्फ उन्हीं फिल्मों को लिया है जो आप आसानी से यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 2020 की 5 बेस्ट हिंदी डब्ड एक्शन थ्रिलर मूवीज के बारे में जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप सिर्फ ये जानते हैं कि मैं 10 साल तक जेल में था, ये नहीं जानते कि उससे पहले मैं क्या करता था। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटे को भी दबाएं ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, चाणक्य। 2019 में रिलीज हुई गोपीचंद की ये फिल्म एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे थीरू ने डायरेक्ट किया था। कहानी रॉ एजेंट अर्जुन के इर्द-गिर्द घूमती है। अर्जुन अपनी टीम के साथ खूंखार आतंकवादी इब्राहिम कुरैशी के राइट हैंड सलीम को पकड़ने गया है। वो सलीम को पकड़कर इंडिया लेके आते हैं और फिर कैसे सलीम की मौत होती है और इसकी वजह से कैसे अर्जुन की टीम किडनैप हो जाती है और क्या अर्जुन अपनी टीम को बचाता है, यही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की कहानी के साथ फिल्म के एक्शन सीन भी ठीक ठाक हैं, ना ही ज़्यादा बोरिंग है और ना ही ज़्यादा ही कुछ खास है। लेकिन अगर आप गोपीचंद के फैन हैं तो जाहिर है कि ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी। 2020 में इस फिल्म को हिंदी में डब करके 2 YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था, एडवाइस मीडिया और वैम इंडिया, और दोनों पर ही फिल्म को काफी अच्छे व्यूज मिले हैं। तो मौत से नहीं डरता, वो तेरे बुलेट से क्या डरेगा कुरैशी। नंबर 4, एक्शन। जब फिल्म का नाम ही एक्शन है तो सोचो फिल्म में कितना एक्शन होगा। वैसे शुरू में ही पता चल जाता है जब विशाल और तमन्ना इस्तांबुल में फाइट करते हैं, वो सीन काफी जबरदस्त है। फिल्म को सुंदर सिंह ने डायरेक्ट किया था, जिसकी कहानी कर्नल सुभाष के इर्द-गिर्द घूमती है। सुभाष अपनी फैमिली के साथ है, वहीं सुभाष के भाई सर्वानंद डिप्टी सीएम हैं। उनके यहाँ पार्टी का एक प्रोग्राम होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है और कई लोग मारे जाते हैं, जिसमें सुभाष की गर्लफ्रेंड भी है। इसी ब्लास्ट की वजह से सर्वानंद फांसी लगा लेते हैं। तभी सुभाष को इस ब्लास्ट के बारे में कुछ पता चलता है और वो इसकी तहकीकात करना चालू कर देते हैं। फिल्म में अगर कुछ है तो वो है एक्शन, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। वैसे विशाल की फिल्म है तो मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने देखा होगा। अक्टूबर में इस फिल्म को हिंदी में डब करके गोल्डमाइन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था, जिसे अभी तक काफी लोगों ने देखा है। इट्स टाइम फॉर एक्शन। नंबर 3, स्मार्ट शंकर। स्मार्ट शंकर भी एक्शन से भरी हुई है, जिसमें आपको काफी अच्छे अच्छे एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, पर इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा हटके है। कहानी शंकर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। पता है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? शंकर, शंकर उस्ताद स्मार्ट शंकर। शंकर ने एक मंत्री का कत्ल कर दिया है, इसीलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी है। पर कहानी तब मोड़ लेती है जब शंकर के दिमाग में एक पुलिस वाले की मेमोरी को डालते हैं। अब कैसे शंकर दो अलग अलग जिंदगी जीता है और आगे वो क्या क्या करता है, यही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में एक्शन तो है, वहीं थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है। इस फिल्म को फरवरी में आदित्य मूवीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था, जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। नंबर 2, कैथी। लोकेश गंगराज के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। फिल्म में कार्ती लीड रोल में थे। फिल्म की कहानी कार्ती के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे बेहोश पड़े पुलिस वालों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, पर यह रास्ता उतना आसान नहीं है क्योंकि कार्ती को रोकने के लिए काफी सारे गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब कैसे कार्ती उन पुलिस वालों को बचाता है और अपनी बेटी से मिलता है, यही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म के एक्शन काफी अच्छे हैं और इसकी स्टोरी तो वो तो काफी जबरदस्त है। ये फिल्म 2020 में गोल्डमाइन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई थी। ये कैसे काम करता है? लाल बटन दबाओ। लोकेश कंगाराज, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, और आप तो जानते ही हैं कि उन्होंने विजय की फिल्म मास्टर को भी डायरेक्ट किया है। यहाँ पर आपसे एक सवाल है, लोकेश सर की इन दोनों फिल्मों में एक बहुत ही खास चीज है जो दोनों फिल्मों में काफी अहम रोल अदा करती है, आपको बताना है कि वो कौन सी चीज है। बहुत ही मुश्किल जवाब है और मुझे पता है कि आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे। नंबर 1, बड़ा चेन्नई। इस फिल्म के बारे में तो जितनी बातें करें कम है, क्योंकि ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक है, जिसे आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म को वैत्री माने ने डायरेक्ट किया है और साथ ही उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी को भी लिखा है। धनुष, जो इस फिल्म के लीड रोल में है, और फिल्म की कहानी भी उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती है। कहानी में सस्पेंस है,
थ्रिल है, हल्की फुल्की कॉमेडी है और जबरदस्त एक्शन है। मतलब कि इस फिल्म में वो हर एक चीज है जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि इस फिल्म की कहानी कई अलग अलग टाइमलाइन में चलती है। बाकी फिल्म काफी अच्छी है और मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा। किसी दूसरे की जान लेने के बारे में सोचा ना तो अपुन आएगा और अपुन अपने साथ बहुत बड़ा बवंडर लेके आएगा। तो दोस्तों ये थी वो पांच जबरदस्त एक्शन फिल्में जिन्हें हमने 2020 में YouTube पर देखा है। तो इन पांच फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।